कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ जी, उससे सब्जी पर भी कुछ न कुछ तो असर पड़ा होगा, माल बेचने में भी? जी सर, पड़ा था सर। वो भिंडी जो है कम रेट में बिका, लौकी खीरा वगैरह जो बहुत कम रेट में मिला, तो सर मुझे उस टाइम पे मुनाफा नहीं हुआ सर, और मेरी जो हालत है वो थोड़ी कमजोर हो गई थी सर। तो इस दौरान आपका घर और चूल्हा चलता रहे, इसके लिए सरकार ने अनेक योजना चलाई, महिलाओं के खाते में पैसे भी जमा किए, मुफ्त जैसे भी सारी सुविधाएं दी गई, राशन भी दिया। क्या आपके परिवार को इन चीजों का लाभ मिला क्या? सर आपने जो योजना चलाई है, सारी योजनाओं को मेरे पास सर लाभ मिला हुआ है, और अपना आयुष्मान कार्ड भी, जिससे कि मेरे परिवार का निःशुल्क इलाज हो रहा है, और उज्ज्वला योजना के तहत मेरे पास गैस सिलेंडर भी है, जिससे कि मेरे परिवार की माता राम और मम्मी जी सॉरी मिसेस को खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, और सर जल्दी बन जाता है तो काम मेरा हाथ बटवा लेती है खेती में। और सर अपना आपके लॉकडाउन के टाइम जो 3 महीने चले हैं, मेरे पास सर गरीब कार्ड भी है, संबल योजना कार्ड, जिसके तहत मेरी पत्नी को लॉकडाउन के समय हर महीने 500-500 रुपए की राशि उनके खाते में जो है प्राप्त हुई है। और सर उनको पहली डिलीवरी के टाइम 16,000 रुपए की राशि भी आपके द्वारा दी गई है सर। सर आपका जो आशीर्वाद है सर। चलिए बहुत अच्छा है। अब आप बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ सर, 1.5 साल की बच्ची है सर मेरे, कनक नाम से। अच्छा जी, तो वो अभी छोटी है सर। तो कुशवाहा जी, आपने तो आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा गजब है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके। और देखिए कितनी हिम्मत है हमारे, आप जैसे हमारे भाई बहनों को तकलीफ आई है, लेकिन आप लोगों की हिम्मत से पूरा देश को भी प्रेरणा मिलती है। और देखिए पीएम स्वनिधि से जो पैसा आपको मिला है जी, उसका उपयोग सही होना चाहिए। कैसे कर रहे हैं आप? सर कुछ पैसा जमा करके रखा है, कुछ पैसा निकाल लिया है मैंने, जिससे कि मैं सब्जी रोज लाता हूँ। अपन को 200-250-300 रुपए का मुनाफा हो जाता है, और सब्जी का जो अपन खरीद के लेके आते वो पैसा भी मेरे को निकल जाता है। तो सर मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ उससे।